हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएमई बाय मोनिका कुकिंग चैनल में। दोस्तों, होली आने वाली है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन तो बनता है ना। आज हम होली स्पेशल डिश बनाने वाले हैं, कॉर्न और पनीर के पकोड़े। दोस्तों, ये टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम पहले मिक्सर का जार ले लेंगे, उसमें एक कप स्वीट कॉर्न डाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे एक हरी मिर्च, ये तीखी वाली हरी मिर्च मैंने यूज़ की है, और चार पांच लहसुन की कलियां। यहाँ पे हम थोड़ी पत्ता गोभी यूज़ करेंगे, उसको हम थोड़ा सा बारीक कट करके मिक्सर की जार में डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब ये सब इन सबको हमें मिक्सर से निकालना है, बारीक पेस्ट करना है इसका। इस बारीक पेस्ट को हम एक बर्तन में निकालेंगे। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे नई रेसिपीज़ या नई डिश के रेगुलर अपडेट्स के लिए। अभी हम लेंगे पनीर। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 100 ग्राम पनीर लिया है, उसको हम ग्रेट कर लेंगे। पनीर को हम अच्छे से अभी मिला लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप बेसन, पीले दाल का बेसन हम यूज़ करेंगे, चना दाल का। अभी हम इसमें मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैं आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, फिर इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए। इन सब मसालों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे हमने बिना पानी के कॉर्न पकौड़े का डो बनाया है। अभी हम कढ़ाई गैस पे रख देते हैं, उसमें तेल डाल देंगे पकौड़े तलने के लिए। जैसे ही तेल गर्म हो गया, हमने इसमें छोटे छोटे बॉल्स छोड़ दिए। अभी इसको अच्छे से हमें तलना है। देखिए, ये कॉर्न के पकौड़े हैं तो ये जल्दी, मतलब ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो हमें इसे पूरा पक जाने के बाद ही हमें इसको हिलाना है तेल में। पकौड़ों को हमें एक साइड से पूरा होने देना है, मतलब पूरा तलना है, उसके बाद हम उसको फ्लिप करेंगे या उसका टर्न करेंगे। पकौड़ों को हमें मीडियम से हाई फ्लेम में ही तलने हैं। देखिए पकौड़ों का कितना अच्छा भूरा सुनहरा कलर आया है। ये पकौड़े अभी तेल में पूरी तरह से तल चुके हैं, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी इसी तरह से हमें बाकी के पकौड़े भी तलने हैं। तो दोस्तों, आपकी एक टेंशन तो कम हो गई कि इस होली पे क्या स्पेशल मसालेदार बनाया जाए। हम फिर मिलेंगे अगली होली स्पेशल डिश के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और कोरोना काल में सेफ डिस्टेंस रखिए और घर का ही मसालेदार चटकदार खाइए। दोस्तों, ये रेसिपी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।